session, there is no need to note down the reading section on the fair notebook. We will only do it on the worksheet. Let us move on towards the next session. और वो है हमारा क्या, राइटिंग पोर्शन, सेक्शन बी. ठीक, तो सेक्शन बी राइटिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या दिया गया है. येस ऑफ कोर्स, द वन एंड ओनली द फॉर्मल लेटर्स. नाउ बच्चों, देर आर द टू टाइप्स ऑफ द लेटर्स. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द लेटर्स? दो तरीके के लेटर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ओ कंप्लीटली, है ना. सो देर आर द टू काइंड्स ऑफ द लेटर, फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल इज नॉट इन योर सिलेबस, तो देर इज़ नो नीड टू रीड द इनफॉर्मल सेक्शन. इनफॉर्मल हमारे सेक्शन में नहीं है, तो आपने वो नहीं पढ़ना है. देर इज़ द फॉर्मल ओनली विच यू हैव टू रीड. सिर्फ आपको फॉर्मल लेटर पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है. फाइन, इसके बाद हम फटाफट से डायरेक्टली आ जाते हैं अपने फॉर्मल लेटर पर, ठीक है. सो आई एम गोना टेलिंग यू कि वॉट टू डू विद द फॉर्मल लेटर्स, हाउ टू राइट ए गुड फॉर्मल लेटर, ठीक है. टोटली रफ. चलो, सो एवरीथिंग इज विजिबल फॉर नाउ. सब कुछ विजिबल तो है ना, नहीं तो चिल्लाओ बाद में. फाइन, लेट मी पुट द हेडिंग एंड प्लीज डू कोऑपरेट विद द राइटिंग. राइटिंग के साथ कोऑपरेट करना. हाँ बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? समबडी सेड नो. मैम ओके फाइन. तो फॉर्मल लेटर्स जो आपके सिलेबस में हैं, वो हैं, देर आर दी फोर काइंड्स ऑफ द फॉर्मल लेटर्स आर इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में जो हैं वो कैसे हैं, फोर फॉर्मल लेटर्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज लेटर टू एडिटर, नेक्स्ट इज लेटर टू, लेटर फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी लेटर है. नेक्स्ट है आपका लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है. एंड फोर्थ है आपका लेटर, सॉरी, लेटर टू कंप्लेंट. तो यहाँ पे आपके ये फोर लेटर्स हैं इन योर सिलेबस, ठीक है, आपके सिलेबस में. कि एक आपको एडिटर को लिखना है, इंक्वायरी लेटर है, प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर है, और कंप्लेंट लेटर है. तो यू हैव टू रीड ऑल फोर कैटेगरीज. आपको ये चारों कैटेगरीज अच्छे से जाननी होंगी, ठीक है. तो लेटर्स समझ आ गए आपके सिलेबस में क्या क्या हैं. देर आर दी फोर लेटर्स, ओके. लेट जस्ट मूव ऑन. अब हम देखेंगे फटाफट से द वेरी फर्स्ट वन, लेटर टू एडिटर. इफ वी टॉक अबाउट द लेटर टू एडिटर, देन लेट मी टेल यू, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द एडिटर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि सबसे पहले हम ना डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं देखेंगे, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. देन यू विल टेल मी कि मैम ये क्या है, ये क्या है, एंड ये क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है. जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ हाउस नंबर, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शिव कॉलोनी चेन्नई, डेट and the editor, the Hindustan, Chennai. A note point, यहाँ एक note point आपके लिए, जो भी यहाँ पे address होएगा तो ये यहाँ पे cities must be same. ये सेम होनी चाहिए, that not must be different. अगर ये different होंगी तो you may no longer means you may no longer send to the other city. ना आपके शहर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने इस शहर के एडिटर को भेजेंगे, ना कि किसी और शहर के एडिटर को. सो इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है. सो डोंट चेंज द सिटी नेम इन द एड्रेस विद द रेफरेंस टू द एडिटर, ठीक है. नेक्स्ट आई विल राइट हियर सब्जेक्ट, तो कोई भी एक जेन्युइन सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि आजकल का है भी, लॉकडाउन और लगा हुआ है, एडिक्शन टू टीवी among school children, ठीक. then आपका sir या ma'am, and here I'm going to writing जो भी है introduction, I am so and so,
द प्रॉब्लम ऑफ सो एंड सो, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द पेज. वी मस्ट अवेकन द पब्लिक रिगार्डिंग, जो भी है, किसी भी, जो भी हमारा टॉपिक है यहाँ वो आ जाएगा. एंड रिसोर्ट टू, एंड इसको हम रिसोर्ट करेंगे कोई भी सजेशन होगा उससे, ठीक है. एंड देन हियर, थैंक यू, योर्स सिंसियरली, ठीक है, जो भी आपका नेम है, जैसे कि मैं लिख दूँ अगर दीक्षा, ठीक है, तो ये मेरे सिग्नेचर हो गए. एंड आई हैव टू राइट द नेम, ठीक है, दीक्षा. और जो भी है, जैसे कि कुछ भी मान लो, अगर हम ऐसा लेटर लिख रहे हैं तो सीईओ जनशक्ति, मैंने रैंडमली अपना नाम लिख दिया, अभी कुछ भी मत बोलने लगना, ठीक है, मेरे अलावा 10 और लोगों के नाम है ये, फाइन. सो दिस इज़, मैंने यहाँ एक लेटर का फॉर्मेट लिख दिया है, अ काइंड ऑफ फॉर्मेट, ठीक है. अब मुझे तो बताएंगे, इसके बेस पर आप मुझे बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो एड्रेस है वो किसका है, किसका है, किसका है, एग्जैक्टली, ठीक है. सो तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका सैंडर्स एड्रेस, याद रखेंगे, ओके. सैंडर्स एड्रेस में जो भी आपकी हाउस नंबर होएगा वो एक लाइन में होगा, देन आपकी कॉलोनी, एंड लास्ट लाइन में आप क्या करेंगे, शहर लिखेंगे, याद रखना. दैट मस्ट कंसिस्ट बिटवीन द 2 to 3 लाइन्स, ठीक है, ये 2 से 3 लाइन में होना चाहिए. उसके बाद एक लाइन आपने छोड़नी है, ड्रॉप करनी है, देन आपने लिखनी है डेट. डेट में आपको डेट का हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब आप क्या करेंगे, जब आप लेटर लिखेंगे तो आप डेट का हेडिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली डेट डालेंगे. जैसे कि अगर मैंने ये लिखा है तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था आपके लिए. आज डेट कितना है, 16, व्हाट्स द डेट टुडे, 17, ओके, 17 जून 2021, ठीक है, मुझे ये लिखना चाहिए था. एंड देट मस्ट बी इन अ लाइन, ये एक ही लाइन के उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है. तो हम डेट का हेडिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, डेट. एंड उसके बाद में किसका एड्रेस आएगा, रिसीवर, अगर एडिटर है तो वो, अनलेस रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है. अगेन वही कि जो एडिटर है वो, और जहाँ का, जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है उस न्यूज़पेपर का नेम आपने लिखना है, देन आपको लिखना है जिस सिटी का नेम है वो, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपका क्या आता है बच्चा, सब्जेक्ट में आपका आता है जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहे हो, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लेटर लिखने वाले हो, दैट प्रॉब्लम. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है एडिक्शन टू टीवी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, तो हमें यहाँ प्रॉब्लम बतानी है, म्यूट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, किसी के पास बड़ी लेट आवाज़ जा रही है ड्यू टू द डेटा कनेक्शन मे बी. सो एडिक्शन, बच्चा जस्ट म्यूट फ्रॉम योर साइड, हूएवर दैट इज, ठीक है. तो एडिक्शन टू टीवी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सब्जेक्ट ने हमने यहाँ लिख दिया है आपका ऑलरेडी. देन आपका लिखना है इसको क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बॉडी. तो इन द बॉडी यू हैव टू सी कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. आपकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. किन पार्ट्स में, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे आई एम, इट मीन्स आपको फर्स्ट देना है इंट्रोडक्शन अपना. अब इंट्रोडक्शन में ही मत लिखना फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, स्कूल वगैरह वगैरह, नहीं, आपको एज ए अथॉरिटी लिखना है. कि आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो तो सिर्फ आपका वही, आपका नेम, इफ़ यू हैव एनी पोस्ट देन पोस्ट, और आपको ये बताना आप कहाँ से हो, कि आई एम द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, या फिर आई एम द दिस पर्सन, जो भी है, ठीक है, हमारी कॉलोनी में. तो आपको उस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देना है. प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है, तो हमारा आ जाता है डिटेल, सेकेंड पार्ट. सेकेंड हमारा पैराग्राफ है, हम इसमें 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे. पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ में हमारा आएगा डिटेल, एंड इन द थर्ड पैराग्राफ, हम थर्ड पैराग्राफ में यहाँ क्या लिख रहे हैं, हियर, हियर इट इज़ द सॉल्यूशन और द कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन और सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है. एंड देन थैंक यू, अगेन रिमेंबर वन थिंग, नेवर यूज थैंक्स,
या फिर ये वाला थैंक यू जो अपन यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे मोस्टली, मैं तो बहुत करती हूँ, ठीक है। सो हमें ये इनफॉर्मल चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, हमको डायरेक्टली लिखना है थैंक यू कम्प्लीटली, ठीक है, विद कम्प्लीट स्पेलिंग। एंड देन इसको बोलेंगे हम क्या, आपका ये आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, फाइन। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल, ये सभी को क्लियर हो गया है अभी। इज देर एनी डाउट रिगार्डिंग टू द फॉर्मेट? Nobody has any doubt. अरे अच्छा fine. So here we have completed this. Now we just come, I'll just send it. अब आपको करना कैसे है कॉपी पर मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप डालेंगे राइटिंग पोर्शन सेक्शन बी, ठीक है। देन आप हेडिंग डालेंगे ऊपर फॉर्मल लेटर, जो कि आपका पहला कंटेंट है सेक्शन बी का। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मल लेटर का ये वाला जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप पेज हॉरिजॉन्टल करके लिखेंगे। इस तरीके से पेज को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, देन आप इस पर चारों लिख देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको लिखना है फॉर्मेट ऑफ द लेटर। फॉर्मेट ऑफ द लेटर में आप पहले ये इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको लिख के बताया था। देन उसके सामने आप उसके डिटेल्स को लिख देंगे, जैसे कि मैंने एक एड्रेस लिखा एग्जांपल में, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये सेंडर्स एड्रेस है। तो सेम आपको इसी तरीके से फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। मैंने आपको नोट पॉइंट्स बता दिए हैं, कहीं लिखवाए नहीं है, क्योंकि उन्हें लिखने का रीज़न नहीं है, उनको सेव करना होगा। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, राइट, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमारी जो मेमोरी है इट मस्ट बी लाइक द CPU, हमें सारा डेटा वहाँ के वहाँ ऐसा बना दो उसको हार्ड डिस्क जैसा कि सब कुछ सेव करना है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से एक सिंगल, हाँ बच्चा हाँ बेटा ऐसे ही तो करोगे, ठीक है। सो हाँ आपको पहले ऐसे करना है, मतलब काटा पीटी नहीं करनी है, जितनी यहाँ पर हुई है वो सब नहीं करना आपको मार्जिन के उधर, क्योंकि मेरे यहाँ कॉपी में मार्जिन नहीं है, है ना। तो अगर कोई मार्जिन वाली कॉपी आपको, आपके पास रजिस्टर में मार्जिन होगा, मार्जिन से ही आपको यहाँ से बिगिन करना है। एंड उसके सामने आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ एक हाउस नंबर लिख दिया शिव कॉलोनी चेन्नई, सामने आपको यहाँ पे सैंडर्स है, मैं इसको साफ करके लिख के दे दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। लिखना आपको ऐसे ही सामने सामने है, जिससे कि आप जब भी देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको कि मार्जिन से ही आपको यहाँ लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप जब 3 पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 पैराग्राफ्स का मीन्स ये नहीं है कि आपको 8-8 लाइन के पैराग्राफ लिखने हैं, जेन्यून लिखना है आपको। लैंग्वेज मस्ट बी ईजी, ऐसा नहीं है आपको बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आपका जो कंटेंट है वो एक सिंपल लैंग्वेज में होगा, चलेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन आपको जब लिखोगे, जैसे कि 2 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने यहाँ लिखा आई एम सो एंड सो, ठीक है, आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी देयर इन आवर कॉलोनी, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो मेरे को प्रॉब्लम जो है वो अलग लिखनी है, पहले मैंने 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई जस्ट चेंज द पैराग्राफ, पैराग्राफ हम चेंज करेंगे नेक्स्ट लाइन से शुरू करके, तब सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ के बाद जब हम थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन लिख रहे होंगे, अगेन वी जस्ट चेंज द पैराग्राफ एंड राइट फ्रॉम द न्यू लाइन। तो पैराग्राफ आपने तीनों पैराग्राफ्स चेंज करेंगे जब आप अलग अलग लिखेंगे, वहाँ पे कहीं हेडिंग नहीं होती है, बट आपका पैराग्राफ चेंज करना बता देता है कि हाँ आपने पता है लेटर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। एंड थैंक यू तो इधर ही आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड पे ही है, जब एप्लीकेशन का न्यू फॉर्मेट वो भी कम्प्लीटली लेफ्ट हैंड पर ही है। अच्छा, न्यू फॉर्मेट से एप्लीकेशन लिखना कितने बच्चों को आता है, आर यू ऑल अवेयर विद दैट? सो एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। चलो किसी दिन लिखवाएंगे, ठीक है, अभी सारे के सारे यस वेस बोल रहे हैं, कोई नहीं, वन डे वील जस्ट कीप टेक अ टेस्ट, ठीक है, वील जस्ट कीप द टेस्ट एंड इट्स अ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे बहुत जल्दी, राइटिंग सेक्शन ये वाला कर लें तब। लेट जस्ट कम टू द वर्कशीट, अब आ जाएंगे हम वर्कशीट पे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो लेट जस्ट मूव ऑन, लेटर टू एडिटर, सबके पास ये है वर्कशीट या नहीं? आई एम सो सॉरी, बेटा प्लीज़ परचेज इट एज सून एज पॉसिबल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ फॉर योर गुडनेस, अपनी अपने भले के लिए जस्ट परचेज इट एज सून एज पॉसिबल, ओके। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन कि व्हाट इज,
इट्स नॉट ऑथर, इट्स एवरग्रीन पब्लिकेशन, ठीक है, ये आपका वर्कशीट रहेगा. यू कैन गो टू द सर्वोदय ऑफिस, आप सर्वोदय ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से यू कैन परचेज दैट. ठीक है, एवरग्रीन पब्लिकेशन का है आपका प्रैक्टिस पेपर इन इंग्लिश, CBSE रिवाइज एंड अपडेटेड, इट्स कैंडिस कैंडिड सीरीज, ठीक है, कैंडिड सीरीज का. गॉट इट, फाइन. तो लेट जस्ट मूव ऑन, फटाफट से हम आगे बढ़ जाते हैं. द फर्स्ट लेटर इज, पहला एडिटर का लेटर हम देख रहे हैं यहाँ पे. मे बी द पेजेस आर सफल्स, बट आई एम गिविंग यू दिस लेटर. आपको पहले यही वाला लेटर लिखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे चेक भी तो करना है. चलो, तो द लेटर सेइंग, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन द मीनिंग्स ऑफ मॉस्किटोज इन योर एरिया. ठीक है, क्वाइट ईजी, आई थिंक इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं होगा फॉर द बिगिनर्स, शुरू करने के लिए. कि आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है, जो किसको लिखना है, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को. यहाँ आपको न्यूज़पेपर का नेम नहीं दिया गया है, दैट हैज़ नॉट बीन मैंशन, दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ रैंडम नेम. अपनी तरफ से आपको कोई भी नेम लिख देना है, ठीक है, याद रखना, दैट मस्ट बी जेन्युइन. कोई लोकल क्वालिटी का मतलब कोई भी लोकल न्यूज़पेपर मत लिखना, एक जेन्युइन लिख देना. ठीक, मिनियंस ऑफ द मॉस्किटोज, भैया आपके एरिया में मॉस्किटोज़ ने एकदम तबाही मचा रखी है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, जो कि ऑब्वियसली बात है फैल भी रहा है. और यहाँ पे आपको वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, वेदर यू कैन यूज़ देम और नॉट, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है. ठीक है, आई विल सेंड इट, मैं आपको ये दे रही हूँ, ये मैं सेंड नहीं करूँगी. आई विल सेंड यू ओनली द PDF ऑफ द फॉर्मेट विच आई टॉट यू. दिस यू हैव टू नोट डाउन, और यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, देन यू कैन डू नाउ, एंड जस्ट परचेज द बुक एज फास्ट एज यू कैन. ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख रखा है, ये एक पुरानी वर्कशीट है, सो हियर इट हैज़ बीन रिटन ऑलरेडी. सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, यहाँ लाइन नहीं छूटी है. द रीज़न इज़ क्योंकि हमारी वर्कशीट में इतनी स्पेस नहीं होती है. आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, एंड साथ ही साथ आप लेंगे एक पेंसिल अपनी वर्कशीट में काम करने के लिए. वैसे तो आपको ये कॉपी पे करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, मेरी छोटी बड़ी हो गई है, तुम लोग ध्यान से करना. ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, एंड आप अपनी कॉपी पर जब करेंगे तो सही सही लिखेंगे. फाइन, तो आई एम गिविंग यू दिस, मैं आपको ये दे रही हूँ, विच यू हैव टू कम्प्लीट, जो कि आपको कम्प्लीट करना है. Now just, is there any doubt? Koi doubt? Okay. Fine. So, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी doubt नहीं है. Then आपको क्या करना है, फटाफट से अपना एक letter लिखना है and just send it to me, और मुझे send करना है वो. And all of you. ठीक है, सभी को करना है. We can also make an English group. But नहीं, no need. कोई need नहीं है. आप लोग मुझे अलग अलग ही भेजो सेपरेटली, सो दैट आई कैन चेक दैट. ठीक है, और मुझे पता भी होगा, और विद नेम भेजेंगे, याद रखेंगे. ठीक है, यहाँ ऊपर आपका जैसे ये दिया हुआ है, नेम, क्लास सेक्शन, रोल नंबर, तो रोल नंबर की जगह आपका SR नंबर आपको भेजना है, एंड यू जस्ट सेंड इट टू मी. सभी को फटाफट से लिख के टिल द इवनिंग यू हैव टू सेंड इट टू मी. फाइन, यस बेटा, सेम टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू ऑल कि आपको सेम टॉपिक पर लिखना है. ठीक है, इज देर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, फेयर नोटबुक पे. हाँ बेटा, पहले आप इसको लिखेंगे, व्हेन आई सर्टिफाई दैट इट इज़ कम्प्लीटली राइट, देन यू कैन नोट डाउन ऑन द फेयर नोटबुक. अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप, अगर आपके पास वर्कशीट है तो आप वर्कशीट पे लिख के भेज सकते हो मुझे. अनलेस इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्कशीट, देन यू फर्स्ट राइट इट ऑन द रफ और द प्रैक्टिस नोटबुक. या तो इसे रफ पे लिखना या प्रैक्टिस नोटबुक पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोग सही लिख रहे हो या नहीं, है ना. अभी इतना भरोसा हुआ नहीं है तुम लोगों पे मुझे. वंस आई जस्ट मेक द बिलीव कि हाँ यू आर राइटिंग कम्प्लीटली राइट, तो फिर मैं इसको सर्टिफाई कर दूंगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिख करके मुझे सेंड करना है, आई विल चेक इट ऑनलाइन, मैं इसको ऑनलाइन चेक कर दूंगी. फाइन, नाउ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई दिक्कत, समस्या, दुविधा नहीं है. चलो, बारिश भी बंद हो गई है. सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस वॉज दीक्षा, आई एम साइनिंग ऑफ.